प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2691 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। पीएम ने लाभार्थियों से बात कर बधाई दी और आशीर्वाद दिया। ट्रैक्टर परेड को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई में चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि ये मामला पुलिस के हाथ में है, पुलिस ही इस पर इजाजत देगी। जम्मू कश्मीर जिले के जम्मू जिले की नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकियों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। हालांकि भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान कार्रवाई करते हुए 3 आतंकवादियों को मार दिया गया। भारतीय सेना के 4 सैन्यकर्मी भी इस घटना में घायल हो गए। कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,823 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,05,95,660 हो गई है। वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में मरने वालों का आंकड़ा 162 रहा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून जल्दीबाजी में बने हैं। पायलट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को अड़ियल बताया। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के परिजनों से दिल्ली जाकर मिले। खाचरियावास ने शक्तावत के परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढांढस बताया। उन्होंने कहा गजेंद्र सिंह का इस तरह चले जाना कांग्रेस और राजस्थान के लिए अपूर्णीय क्षति है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के किसान आंदोलन वाले बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने निंदा की है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा की सोच संकीर्ण है, किसान के प्रति ऐसी सोच भाजपा ही रख सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसान विरोधी और अंग्रेजों की पक्षधर है। बीकानेर में आज से लोकायन संस्थान की ओर से 15 दिवसीय ऑनलाइन कला संस्कृति एवं थिएटर फेस्टिवल शुरू हो गया। इस मौके पर कला एवं संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे लोक कलाकारों को सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। डेजर्ट नाइट 21 के लिए फ्रांस और भारत के सैनिक जोधपुर एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। आज से फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। इसके लिए मंगलवार रात को ही भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर में युद्धाभ्यास से जुड़ी सामग्री पहुंचा दी गई थी। इसके अलावा लड़ाकू जहाज भी पहुंच गए हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने गुरु गोविंद सिंह को याद कर उनकी वीरता और ज्ञान को नमन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने हमेशा पीड़ित मानवों की सेवा की और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई।